हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का यूनिट यानी चैप्टर 13 सर्कल चैप्टर का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है नंबर 1 का, ए नंबर का बता रहा हूँ। पहले ऑप्शन इधर बता रहे हैं दोस्तों, नीचे एक्सप्लेनेशन बी सी डी ई। तो पहला है प्लेन फिगर विच इज नॉट मेड ऑफ एनी लाइन सिगमेंट इज कॉल्ड। दोस्तों लाइन सिगमेंट तो इसको कहते हैं, मतलब वो प्लेन फिगर जो लाइन सिगमेंट से नहीं बना है, तो उसके बारे में बता रहा है। दोस्तों स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं लाइन सिगमेंट से बनता है, रेक्टेंगल भी, ट्रायंगल भी लाइन सिगमेंट से बनता है। सीधा मतलब सीधा को लाइन सिगमेंट कहते हैं, रेक्टेंगल भी लाइन सिगमेंट से बनता है। लेकिन सर्कल जो है दोस्तों कर्व लाइन, इसमें सर लाइन सिगमेंट का यूज नहीं होता है, तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा। तो हमारा है दोस्तों एक्सप्लेनेशन सारे का बताऊंगा। नंबर ऑफ डायमीटर डैट कैन बी ड्रॉ इन सर्कल। दोस्तों डायमीटर होता क्या है पहले वो बताता हूँ। ये जो सर्कल है दोस्तों, यहाँ से सेंटर से अगर सर्कम फेरेंस तक मिलाते, रेडियस होता है। लेकिन अगर सर्कम फेरेंस से सर्कम फेरेंस तक मिलाते हैं लेकिन सेंटर से हुए गुजरते हैं, तो इसको डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे, मतलब कितनों खींचेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 नहीं, 2 नहीं, मैनी हो सकता है, 3 नहीं, तो मैनी ही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, इन द गिवेन फिगर इफ एक्स इज द सेंटर ऑफ सर्कल। दोस्तों एक्स सेंटर है एंड ट्रेंगल एक्स वाई जेड इज, ये एक्स वाई जेड ये जो है कौन सा ट्रेंगल है ना दोस्तों बताना है। दोस्तों हम लोग ट्रेंगल का पहले प्रकार आना चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ दिया है आइसोसेल्स। होता क्या है, आइसो मतलब दो साइड इक्वल होता है, इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड, मतलब तीनों साइड इक्वल, राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एस्केलेन मतलब कोई साइड इक्वल नहीं, मतलब ऑल अनइक्वल होता है। तो इसमें देखिए ये और ये तो रेडियस है ना दोस्तों, तो ये और ये तो फिक्स बराबर होगा ही होगा, है ना, ये दोनों तो फिक्स है। तो दोस्तों अब ये फिक्स है या नहीं है, इसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये दोनों तो बराबर है क्योंकि ये भी रेडियस तो बराबर होगा, इसलिए आइसोसेल्स तो होगा ही। इक्विलेटर इसलिए नहीं होगा कि ये बराबर हो, अगर रहता तो इक्विलेटर होता, लेकिन हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इसलिए इक्विलेटर छट गया, आइसोसेल्स होगा, है ना। और ये दोनों जो दिया था राइट एंगल, तो ये तो दोस्तों एंगल से रिलेटेड है, एंगल तो है नहीं इसमें दिया हुआ, और ये एस्केलेन मतलब ऑल साइड अनइक्वल, तो ये भी नहीं हुआ, इसलिए वो हुआ। दोस्तों क्यों को हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो सारा मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ। इन द गिवेन फिगर इफ रेडियस इनर सर्कल, दोस्तों अंदर वाला सर्कल का रेडियस मतलब 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल, ये देखिए दोस्तों ये यहाँ से यहाँ दोस्तों 2 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, 2 होगा, है ना, यहाँ से यहाँ इसका मतलब टोटल कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ से एक सर्कल यहाँ बनाए हैं, अब इसका सेंटर भी है यहाँ से यहाँ, हम लोग पता कर लिए 4 है, तो यहाँ से यहाँ भी तो 4 होगा क्योंकि यहाँ इस बड़ा वाला सर्कल का ये रेडियस है, तो 4 प्लस 2 4, टोटल जो है इसका डायमीटर बोला बड़ा सर्कल का, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सेकेंड हो जाएगा किसका है, ये डी का, ये यहाँ भरना था दोस्तों डी का सेकेंड। दोस्तों यहाँ देखिए इसका ने बी का थर्ड था और सी का यहाँ भी बताए थे आइसोसेल, सी का यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ उल्टा हो गया, तो यहाँ भर दिए थे, यहाँ होगा। तो ये समझ में आया, तो दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ 2 दिया है, तो यहाँ से यहाँ भी 2 होगा क्योंकि सर्कल बराबर होता है ना, सर्कल का रेडियस बराबर होता है, तो 2 प्लस 2 4। अब यहाँ से यहाँ हम लोग को 4 पता चल गया, तो यहाँ से यहाँ भी तो 4 होगा ना, तो टोटल हम लोग को डायमंड निकला, तो 4 यहाँ से यहाँ हुआ और 4 यहाँ से यहाँ, तो 4 प्लस 4 8, तो 8 यहाँ था भी, तो हम लोग बता दिए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है इन द फिगर गिवेन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ रेडियस। ओ सेंटर है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये बराबर ये होगा या ये बराबर ये होगा, मतलब ये बराबर होगा। देखते हैं हम क्या दिया है, पी क्यू, पी क्यू और एंड आर एस, आर अलवेज इक्वल, दोस्तों ये बराबर ये बोला है दोस्तों, ये तो हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं और क्या क्या बोला। पी क्यू और आर एस नेवर इक्वल, ये कभी बराबर नहीं होगा बोल रहा, नहीं ऐसा नहीं, ये बराबर ही होगा। अगर एक दूसरे को सेंटर से कट करता है ना, तो ये बराबर ये हमेशा होता है, और ये एंगल भी बराबर होता है, अपोजिट एंगल आर इक्वल और अपोजिट साइड आर इक्वल, दोनों बराबर होता है। तो पहला तो होगा ही, हम लिख देते हैं, आगे देख लेते हैं फिर भी ये क्या है।
PQ एंड RS मे बी इक्वल, दोस्तों ये तो कुछ और बोल दिया, मे बी मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नोट भी बोला है। PQ इज द ग्रेटर देन, नहीं दोस्तों बराबर ही होता है, तो ये ग्रेटर देन भी नहीं होगा, इसलिए ये होगा। दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे। दोस्तों और भी बता रहा हूँ थोड़ी, उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद है इफ लेंथ ऑफ अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। दोस्तों यहाँ हम बताते जा रहे हैं और इधर एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, ये बी नंबर का ए नंबर बता रहा हूँ और इधर एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। उसके बाद एक नंबर बोला इफ लेंथ ऑफ अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दोस्तों कोई सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से ये रेडियस ये कोड पास कर रहा है ना, और इज कितना दिया है 10 सेंटीमीटर है ना, मतलब द लेंथ ऑफ, इफ द लेंथ ऑफ कोड है ना पास कर रहा है, मतलब ये कोड पास कर रहा है सेंटर से, इसका पूरे का यहाँ से यहाँ लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल हम लोग जानते हैं, इसका मतलब ये दोस्तों यहाँ से यहाँ दिया, इसका मतलब डायमीटर दिया हुआ, तो डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं, आर इक्वल टू रेडियस निकालना है डी बाई टू, इसलिए 10 सेंटीमीटर बाई 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका आंसर गलत दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो ये गलत दिया हुआ है, इसका 5 होगा। अगर आपका बुक में 5 दिया हुआ है तो कमेंट कीजिएगा हाँ मेरा बुक में 5 है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वेथ ऑफ द फॉलोइंग सर्कल सर्कुलर रेस ट्रैक विथ इनर डायमीटर 10 सेंटीमीटर। दोस्तों एक तो इनर डायमीटर मतलब इसका यहाँ से यहाँ डायमीटर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद आउटर डायमीटर जो है, एक सर्कल यहाँ है आउटर डायमीटर, तो इसका यहाँ से यहाँ दिया है 14 सेंटीमीटर। दोस्तों अब यहाँ से यहाँ जो है कितना होगा, 14 का आधा होगा, तो 14 का अगर 7, और यहाँ से यहाँ ये पूरा 10 है, तो ये आधा क्या होगा 5। तो हम लोग को यहाँ बताना है क्या दोस्तों, वेथ बताना है, तो हम लोग पहले यहाँ कि आर कैपिटल आर बराबर पहले ये लिख लेते हैं, क्या नंबर बता रहे हैं तो बी नंबर बता रहे हैं, तो D1 इक्वल टू D1 मतलब बड़ा वाला लिख लेते हैं दोस्तों, 14 दिया हुआ है, इसलिए R1 इक्वल टू है ना 14 बाई 2 बराबर 7 निकला। यह दोस्तों हम फिगर भी बता रहे हैं आखिर क्यों हो रहा, D2 जो छोटा वाला सर्कल का दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ R2 इक्वल टू 10 बाई 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। दोस्तों ये 7 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका यहाँ से यहाँ डिफरेंस बताना है क्या है, तो इसलिए डिफरेंस बराबर इक्वल टू R1 माइनस R2 बराबर 7 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। समझ में आया दोस्तों, इसका 2 सेंटीमीटर होगा डिफरेंस वेट्थ या दोस्तों इसको डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, वेट्थ भी बोल सकते हैं, चौड़ाई WIDH WIDTH वेट्थ WIDTH है ना, वेट्थ में चौड़ाई भी बोल सकते हैं डिफरेंस। नेक्स्ट है सी नंबर बता रहा हूँ, उसका दोस्तों फिगर दिया हुआ था यहाँ, सी नंबर बता रहा हूँ। इफ टू सर्कल ऑफ द सेंटर ओ एंड सी विथ रेडी 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर का है बड़ा वाला, ये 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से यहाँ 3 होगा और यहाँ से यहाँ 2 होगा, तो है ना टच, इसको टच कर रहा है दोस्तों एक्सटर्नली बाहर से। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है। दोस्तों हम लोग जानते हैं R1 मतलब बड़ा वाला का 3 सेंटीमीटर बताया है और R2 छोटा वाला का 2 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों हम लोग का जो है सेंटर जो है दोनों सेंटर का क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 प्लस R2 बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो समझ में आया दोस्तों, 5 कैसे, यहाँ से यहाँ 2 बोला है, यहाँ से यहाँ 3, तो यहाँ पूरा कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद है इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर, ये ओ सेंटर है दोस्तों ऑफ द सर्कल OP से P ये 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सब 4 होगा, तो फाइंड QOR दोस्तों QR दोस्तों ये 4 इधर 4 इधर। दोस्तों लाइट कट गई थी फिर आया अभी, चलो बता रहा हूँ फिर से।
इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर दिया है ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल ओ पी फोर। चलिए ये फिगर जैसे, हाँ देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ बोल रहा है जैसे ऐसा है, एक ऐसा है, यहाँ से यहाँ ये ओ है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ एस है। तो यहाँ दोस्तों सेंटर ओ पी, ओ से पी ये 4 सेंटीमीटर दिया था, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, क्यों? क्योंकि सारा रेडियस है ना, ये रेडियस है तो बराबर होगा। तो फाइंड ओ आर, दोस्तों आर इक्वल टू, देखिए यहाँ भी 4 है, हम लोग को ओ आर निकालना है ना, तो ओ आर जो है, सॉरी ओ आर नहीं, क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर यहाँ है, तो क्यू आर को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस ओ आर, लिख सकते हैं नहीं, तो ओ क्यू है ना, ओ क्यू, ओ क्यू इक्वल टू 4 है, अभी जस्ट बताया क्यू प्लस ओ आर इक्वल टू 4 है, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझ में आया दोस्तों? फिर से बताता हूँ एक बार, यहाँ देखिए ओ आर हम लोग निकालना है, क्योंकि यहाँ एक रेडियस बोल दिया तो सारा रेडियस 4 4 ही हो गया, इसलिए ओ आर इक्वल टू ओ आर, ये यहाँ से यहाँ, तो इतना प्लस इतना लिख दिए, तो इतना बराबर 4, ये भी 4 भर दिया और आ गया। नेक्स्ट है ये नंबर बता रहा हूँ, इन द फॉलोइंग फिगर नेम द लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ, जो बराबर लेंथ का है उस लाइन सेगमेंट का नाम बताना है, वेयर ओ इज द सेंटर, यहाँ ओ सेंटर है दोस्तों, तो बराबर लाइन सेगमेंट कौन हो सकता है, ये और ये रेडियस है, तो ये बराबर तो होगा ही होगा, तो पहला ओ कौन कौन होगा, ए ओ बी और ओ सी, क्यों? अगर क्यों तो नहीं पूछा दोस्तों, क्यों अगर मैं बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस हमेशा बराबर होगा, ये बराबर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये बराबर ही होगा जो तीनों लिखे हैं, है ना। तो समझ में आया दोस्तों? आगे बता रहे हैं, 2 नंबर में क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस एंड ड्रो द फॉलोइंग इन, मतलब कोई भी सेंटर, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्ट कर लेना दोस्तों। चलिए मैं बना लेता हूँ, आप गोल बनाइएगा दोस्तों, हम पेन से बनाए, डायरेक्ट हैंड फ्री हैंड से बनाए, इसलिए ऐसा हुआ। सेंटर ओ लिखना है ए नंबर का, तो सेंटर ओ लिख दिए, डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी मतलब इसके बीचों बीच में खुदता है, यहाँ ए लिख दिए, यहाँ बी लिख दिए, कंस्ट्रक्ट करना है दोस्तों, रेडियस ओ एक्स, ओ एक्स, ओ से एक्स कहीं पे भी खींच, चलो यहीं लिख देता हूँ एक्स, ओ एक्स कहीं पे भी खींच सकते हैं, कोड एक्स ए वाई, ए वाई यहाँ खींच देता हूँ दोस्तों, यहाँ वाई लिख देता हूँ, कोड इसलिए इसको कहते हैं दोस्तों, सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस तक जो मिलाते हैं वो कोड कहलाता है। उसके बाद है एनी अर्क एक्स वाई जेड, एक्स कहाँ पे है, एक्स वाई जेड, तो अर्क इसको कहते हैं, ये वाला चाप इसको, तो यहाँ से हम लोग जेड दोस्तों कहाँ पे, एक्स वाई जेड, तो यहाँ हम लोग जेड लिख लेते हैं, है ना, तो यहाँ से मिला देंगे, तो ये बन गया क्या, ये इसी को अर्क कहते हैं, मैं ड्रॉ करने वाला था सर दोस्तों, ये जो लाइन ऐसे ऐसे करना, इसको अर्क कहते हैं, पूरा गोल करते हैं तो वो सर्कमफेरेंस हो जाता है, समझ में आया है। उसके बाद आगे क्या आते हैं, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, ड्रॉ इट्स डायमीटर एंड मेजर, दोस्तों पहले हम लोग ड्रॉ करना है, तो 3 नंबर में रेडियस आर इक्वल टू 4.2, रेडियस होता क्या दोस्तों, अभी बताए थे, यहाँ से यहाँ रेडियस होता है, और दोस्तों यहाँ से यहाँ रेडियस, या फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ रेडियस है और यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, और डायमीटर जो होता है यहाँ से यहाँ, इसका मतलब डी इक्वल टू 2R होता है, और R इक्वल टू R जो होता है रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो डी बाय 2 है ना, तो यहाँ हम लोग रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर निकलना है, तो डी इक्वल टू 2R, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 4.2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो 8.4 सेंटीमीटर, ये रेडियस, ये डायमीटर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए दोस्तों इसको जानते होंगे, इस क्या कहते हैं इसको, कंपास, इसको डिवाइडर कहते हैं, इसको इसको दोस्तों रूलर कहते हैं, इसको प्रोटेक्टर कहते हैं, तो हम लोग रूलर और किसके सहायता से, कंपास के सहायता से बनाएंगे इसको। कितना खींचना है, 4.2 दोस्तों, 4.2 खींचना, मैं इसको पूरा खोल देता हूँ, 4.2 दोस्तों, अब देखिए 4.2 बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, तो 4.2 मतलब यहाँ देखिए 4 है, ये छोटा छोटा बुंदा जो है ये 1.2 है, पॉइंट वाला है, तो हम लोग यहाँ 4.2 खींच लेते हैं, और घटाना पड़ेगा, इसको नीचे रख के घटा करता हूँ, तो 4.2 हो गया क्या, हाँ 4.2 हो गया दोस्तों। कहीं बैठाना है, मैं दिखाने के लिए आपको करता हूँ,
जैसे इससे पहले जो पीछे वाला चैप्टर पढ़ा है उसके बारे लिए किए थे, और ये हिलना नहीं चाहिए, यहाँ पकड़ना है आपको और इसको ऐसे घुमा के खींचना। दोस्तों कट जाएगा क्या वीडियो से, ऐसे खींच देना है ना, तो आपको ऐसा खींच देना, बस हो गया, ये करना है। और उसके बाद खींचने के बाद यहाँ से यहाँ पे यहाँ कहीं पे भी रेडियस खींच के इसमें 4.2 सेंटीमीटर लिख देना। समझ में आया? आगे देखते हैं दोस्तों क्या बताना है। ड्रॉ फोर नंबर बता रहा हूँ, थ्री बताते। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एट पी, ड्रॉ अ सर्कल रेडियस। दोस्तों पहले पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ खींचना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 देखिए यहाँ है, मैं पेंसिल पेंसिल खींचता हूँ ताकि दिखे आपको, पी यहाँ क्यू 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या बोला है, पी क्यू 7 सेंटीमीटर खींचे, एट पी ड्रॉ अ सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए फिर क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का फिर यहाँ पहले ही कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, और यहाँ पी पे बैठा के फिर से यहाँ से खींचने बोल रहा है ना, सर्कल खींचने बोल रहा है। उसके बाद है फिर एट क्यू ड्रॉ अ सर्कल 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ हम लोग 4 सेंटीमीटर से खींच लेते हैं, जैसे यहाँ, तो यहाँ 4 जैसे खींचना है दोस्तों, है ना। उसके बाद दोस्तों 3 सेंटीमीटर में, 3 सेंटीमीटर कितना से, क्यू से, यहाँ तो 3 सेंटीमीटर इधर खींचना है क्यू से। दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ, हाँ, तो 3 सेंटीमीटर खींच दिए, और ये जो है दोनों, क्योंकि यहाँ इधर से 4 सेंटीमीटर खींचे थे, इधर से 3 सेंटीमीटर, और ये दोनों टच करेगा, यहाँ टच किया कि नहीं किया, क्योंकि 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर। तो आगे देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, दोस्तों क्या ऑब्जर्व किए, तो दोनों क्या किया, एक दूसरे को क्या किया दोस्तों, टच किया है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या ऑब्जर्व किए, द सर्कल CIRCLE सर्कल जस्ट TOUCH टच इच ओदर ESCH इच OTHER, मतलब एक दूसरे को सिर्फ टच किया। नेक्स्ट है दोस्तों, तो उसके बाद है ड्रॉ अ लाइन सिगमेंट एक्स वाई लेंथ। दोस्तों ये भी देखिए 8 सेंटीमीटर का एक्स वाई खींच देंगे, 8x ड्रॉ सर्कल 5 सेंटीमीटर, इसमें एक्स में बैठा के 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, एंड वाई ड्रॉ सर्कल 3.8। तो ये भी बना देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है इससे, लेकिन है वैसा ही दोस्तों। चलिए मैं टोटल इसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ, ECP लाइव वाला चैनल में सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ फिर क्या करना है दोस्तों, क्या नंबर बनाना है, 5 नंबर बता रहा हूँ। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, कितना 8 सेंटीमीटर, तो 8 यहाँ है, खींच दिए 8 सेंटीमीटर पेन से, आप पेंसिल से खींचेगा दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर, यहाँ एक्स यहाँ वाई। उसके बाद 8x ड्रॉ अ सर्कल 5 सेंटीमीटर, एक्स में 5 सेंटीमीटर ड्रॉ सर्कल करना है, तो यहाँ बैठाएंगे और दोस्तों ऐसे करके ये भी जो घुमाए थे ऐसे घुमा के सर्कल खींच देंगे ऐसे, है ना। उसके बाद क्या करना है, फिर वाई में भी कितना, ड्रॉ अ सर्कल 3.8, 3.8 मतलब 3.8 दोस्तों सही है, तो वाई में 3.8 दोस्तों, ये देखिए कट करेगा एक दूसरे को, यहाँ कट कर रहा है ना, समझ में आया। तो यहाँ हम लोग 5 सेंटीमीटर खींचे थे यहाँ से, और इधर है 3.8, नीचे लिखता हूँ 3.8 सेंटीमीटर का खींचे थे, और ये दो पॉइंट में क्या किया दोस्तों, कट करता है ना एक दूसरे को। तो यहाँ फिर क्या बोला है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर लिखना है इसके बारे में आखिर क्या हुआ। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर में द CIRCLE सर्कल INTERSECT इंटरसेक्ट ESCH इच ओदर OTHER ओदर कितने पॉइंट में, एक दोस्तों यहाँ एक पॉइंट यहाँ, तो कितने पॉइंट में, 2 पॉइंट में है ना, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। अब दोस्तों खींचने वाला व्यवस्था खत्म, अब है दूसरा कुछ, उसके बाद है राइट ट्रू फॉल्स बताना है। दोस्तों ये भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ, अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों। 6 नंबर का, तो ए, तो पहले एक एक कर चलते हैं, ऑल कोड ऑफ सर्कल आर इक्वल लेंथ। दोस्तों कोड जो होता है सारा
बोल रहा है इक्वल लेंथ का। कोड होता क्या है दोस्तों, ये देखिए ये सर्कल है, कोड यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो बराबर कैसे, ये तो बड़ा होगा ना यहाँ से, ई वाला तो छोटा होगा, तो ये फॉल्स है, एफ ए एल एस ई, पहला फॉल्स बी नंबर। दोस्तों सारे का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, इफ डायमीटर ऑफ रेडी इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर रेडियस इज 6। दोस्तों उल्टा बोल दिया यहाँ, मतलब डायमीटर अगर ये होता तो रेडियस उसका आधा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, डायमीटर और बराबर, डायमीटर और रेडियस क्या होता है, यहाँ से यहाँ रेडियस और यहाँ से यहाँ डायमीटर, तो यहाँ डायमीटर है और उल्टा बोल दिया, अगर ये वाला इधर ये वाला उधर रहता तो ये ट्रू होता, लेकिन ये भी फॉल्स है, एफ ए एल एस ई, है ना दोस्तों। डायमीटर जो है ना रेडियस से दुगुना होता है, अगर यहाँ 3 यहाँ 6 लिखता तो हो जाता है ना, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, दोस्तों फुल ट्रू है, ऐसा क्यों है, टी आर यू ई, क्योंकि ये दोस्तों कोड यहाँ भी है, सारा कोड है, लेकिन ये भी कोड है, लेकिन कोड के अलावा ये डायमीटर भी होता है, इसलिए बोलता है डायमीटर जो है सबसे बड़ा कोड है, सही है, डी नंबर में है, ऊपर कर लेता हूँ मैं। और सेमी सर्कल ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, दोस्तों यहाँ बोला है सेमी सर्कल होता है इज एन आर्क, एक आर्क ऑफ अ सर्कल, है ना। ये देखिए सेमी सर्कल होता क्या दोस्तों, ये सर्कल है, यहाँ से और यहाँ ऐसे हम लोग अगर खींचेंगे ना तो ये आर्क होता है और ये सेमी सर्कल भी होता है, तो सेमी सर्कल इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, सही है, ये भी ट्रू है, टी आर यू ई, सेमी सर्कल होता है दोस्तों आर्क। उसके बाद अगला, उसके बाद ई नंबर में है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, दोस्तों इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है वो बता रहा हूँ, ये सर्कल का ये इंटीरियर है, बाहर में कहीं भी एक्सटीरियर है, तो यहाँ सर्कल का सेंटर जो है इंटीरियर होता है ना, तो ये भी ट्रू है, टी आर यू, समझ में आ रहा है दोस्तों, आगे बता रहा हूँ। नेक्स्ट है 7 नंबर का, लुक एट द सर्कल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ये दोस्तों ये सर्कल देख रहे हैं बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारा देखते हैं। नेम टू डायमीटर, डायमीटर जो दोस्तों क्या होता है, सेंटर सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस और सेंटर से होते, तो एक ये डायमीटर दिख रहा है और एक ये, दो ही डायमीटर है, दोनों का नाम लिखना है ए नंबर में, तो दोनों का नाम लिखना है दोस्तों, एक हो जाएगा बी जी कोमा एक होगा सी डी। दोस्तों यहाँ एक चीज और बताता हूँ, बी जी को जी बी भी लिख सकते हैं और सी डी को डी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसके बाद बी होगा। हाउ मेनी कोड आर देयर, कोड कितना बन रहा है दोस्तों, कोड मतलब सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस कहीं से बने, तो एक ये और ये तो बन ही रहा था, एक ये भी बन रहा है, एक ये भी, एक ये भी और एक ये भी, तो 1 2 3 4 इधर 5 6, तो टोटल इसमें दोस्तों 6 बन रहा था, लेकिन आप सोचे ये क्यों नहीं बन रहा है दोस्तों, ये यहाँ तक रहता तो ये रेडियस बनता, रेडियस भी नहीं बन रहा, और ये यहाँ तक लगा हुआ रहता ना तब बनता, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा। अगला 3 नंबर, नेम एनी 3 रेडी, दोस्तों रेडी बताना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4 ही बन रहा है इसमें, है ना, तो इसमें 4 बन रहा है, कोई भी 3 लिखना है तो ओ सी कोमा ओ डी सारा लिख देता हूँ, ओ जी और ओ बी, ये 4 बन रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है 4 ही बन रहा है और नहीं बन रहा इसमें, उसके बाद सी के बाद डी, नेम एनी 2 अर्क, दोस्तों अर्क तो बहुत बन रहा है, अर्क मतलब ये वाला चाप को कहते हैं, ये भी ये भी ये भी ढेरी बन रहा है इसमें भी, तो अर्क बन रहे हम लोग क्या लिख लेते हैं, एक जी सी ए दिख रहा है कहाँ पे, तो जी सी ए ये अर्क दिख रहा है दोस्तों, बहुत बन रहा है इसमें अर्क, तो कितनों बनाओगे तो कम नहीं है। उसके बाद है ई जी सी, ई जी सी दो ठो लिख दिए, और भी बना सकते हैं बी डी ई या डी ई जी, ढेरी बन रहा है इसमें, अर्क का कमी नहीं इसमें। उसके बाद डी के बाद ई नंबर, नेम 1 सेमी सर्कल, दोस्तों सेमी सर्कल कोई एक बताना, सेमी मतलब आधा, मतलब बी से शुरू करेंगे तो ए सी होते हुए जी तक आना पड़ेगा तभी आधा होगा, या जी से शुरू करेंगे तो ई डी बी तक आना पड़ेगा यहाँ से यहाँ, है ना, या अगर सी से शुरू करेंगे तो इधर से होते हुए यहाँ आना पड़ेगा, या यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से यहाँ, तभी आधा सर्कल बनेगा। तो ई नंबर में दोस्तों देखिए बी ए जी ये बन रहा है, देखिए यहाँ बी
है ना, बी ए जी, यहां तक गया, बी सी जी भी बोल सकते थे, सी इसलिए नहीं बोल सकते ना तो सीधा हो जाएगा, इसलिए बी ए जी भी बोल सकते हैं, या जी ई डी बी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये है दोस्तों, इसमें कितना बन रहा है, एक इधर से बन रहा है, एक इधर से, अगर इधर से लेंगे तो ये बन रहा है, इधर से ये बन रहा है, तो बन रहा है इसमें भी चार तो बन ही रहा है। उसके बाद ई के बाद कितना, एफ बोलता, इज एफ ओ रेडी, तो एफ ओ रेडी है दोस्तों, नहीं है। क्यों नहीं है, सेंटर से सरकम फेरेंस तक होना चाहिए, ये यहीं तक है इसलिए नहीं है। तो पहले जी का एफ का हो जाएगा नो, सॉरी नो। अगला एफ के बाद जी नंबर, इज एक्स सी एक्स इज कोड, सी एक्स कहाँ है, सी एक्स कोड है, नहीं है। क्यों नहीं है, इसका फुल ये होता है कोड का, सरकम फेरेंट टू सरकम फेरेंट होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नो हो जाएगा, है ना। हो गया दोस्तों, दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्त के शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों एक्सपेरेंस का सारा कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो, दोस्तों शेयर जरूर करना।